साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई मालदीव से रिलेटेड। जी हां साथियों, मालदीव की फ्लाइटों का शेड्यूल है मात्र 16, 17 और 18 तीन दिन में 6 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हां साथियों, ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो डाला गया नोटिस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। भाई 6 फ्लाइटों का शेड्यूल है, कहाँ से कहाँ कहाँ आ रही हैं, और मेन बात है कितना पैसा लग रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना खर्चा लगेगा आपका फ्लाइट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मात्र 3 मिनट में, स्क्रीन पे भी साथ में मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप आराम से देख सकें। साथियों 16 जून को बता दूँ मालदीव से जो फ्लाइट है त्रिवेंद्रम के लिए, जी हाँ साथियों 12 बजे का इसका शेड्यूल है। बिजनेस क्लास की 12 सीटें हैं, इकोनॉमी की 141 सीटें हैं, टोटल 153 सीटें हैं, 153। जी हाँ साथियों, आगे एक फिर एक फ्लाइट है साथियों, बता दूं आपको, बेंगलुरु के लिए है 16 जून को। जी हाँ साथियों 14 बजे का इसका टाइम है, इसमें सीट संख्या नहीं दी गई है। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें साथियों माले से है दिल्ली के लिए, मालदीव से दिल्ली के लिए 17 जून की, इसमें 171 यात्रियों का टोटल संख्या दी गई, 171 यात्री दिल्ली पहुंचेंगे मालदीव से। आगे 18 जून की बात कर लें भाई, मालदीव से दिल्ली के लिए फिर एक फ्लाइट है, 171 यात्री पहुंचेंगे। आगे इसमें दे रखा है साथियों, बता दूं 18 जून की फिर एक फ्लाइट है भुवनेश्वर के लिए दे रखा है, इसमें टाइम टेबल यात्रियों का संख्या नहीं दी गई है। 18 जून की फिर एक फ्लाइट है साथियों कोलकाता के लिए, जी हां साथियों इसमें भी टाइम टेबल यात्रियों का नहीं दिया गया है। इसमें मेन बात मैं क्या बताऊं साथियों, इसमें देखिए मेन बात क्या है कि आपका टिकट का खर्चा कितना लगेगा, इंपॉर्टेंट बात वो है। तो आप इसमें देख लीजिए भाई, मैं बता दूं स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूं। दिल्ली के लिए मैं बता दूं, इसमें लिख रखा है बिजनेस क्लास के लिए 501 USD, और अपन बात करते हैं इकोनॉमी के लिए नॉर्मल फ्लाइट की बात करें तो $402 का इसमें बताया गया है, यानी $402 का साथियों अमेरिकन USD से करें तो 76 का अभी रेट चल रहा है, 30,552 रुपये बनता है दिल्ली के लिए फ्लाइट है जो मालदीव के लिए। आगे हम बात करें साथियों बेंगलुरु के लिए, जी हाँ बेंगलुरु के लिए मैं बता दूं साथियों $372 का इसमें बताया गया है। अगर हम बात करें $372 को अगर अपन चिंतर से कैलकुलेट करते हैं 28,272 रुपये की टिकट बनती है। जी हाँ साथियों, आगे हम बात करते हैं भाई TRV त्रिवेंद्रम के लिए, जी हाँ साथियों इसकी इकोनॉमी टिकट आ रही है मात्र 229 रुपये, क्योंकि इसके नज़दीक पड़ता है भाई तो टिकट इसकी सस्ती है। हालांकि बिजनेस क्लास तो डबल है, ये मान लो 408 रुपये है, इकोनॉमी की बात करें 229 रुपये की फ्लाइट आ रही है। जी हाँ, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो साथियों 17,404 इंडियन रुपीस में ये कन्वर्ट होती है, 17,404 की ये टिकट आपको पड़ेगी। आगे हम बात करें साथियों BBI यानी भुवनेश्वर, जी हाँ साथियों भुवनेश्वर की टिकट का भाई बात करें तो ये महंगी पड़ती है टिकट, $514 की पड़ेगी, जो 39,000 रुपये की समथिंग ये टिकट आपको पड़ जाएगी इंडिया आने के लिए भुवनेश्वर के लिए। नेक्स्ट फ्लाइट की बात करें भाई, कलकत्ता है CCU, कलकत्ता की जो इकोनॉमी फ्लाइट है वो 521 रुपये की है, बिजनेस फ्लाइट है सीट है वो 661 रुपये की है। अगर इकोनॉमी की हम गणित लगाते हैं 76 के रेट के हिसाब से तो 39,596 रुपये, यानी लगभग आप मान सकते हो 40,000 के करीब ये टिकट आपको पड़ जाएगी। तो साथियों मैंने बता दिया आपको भाई 16, 17, 18 की फ़्लाइटें हैं 6, और इसमें कितने पैसे की फ़्लाइट आने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड जैसे मैं कोई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।